Okay, boys, ready? Off you come. Whoa, right throw. Very good. जैसे कि आपने देखा है कि ब्रैकेट हुई है ये. Super. Excellent boy. Excellent. Well boy. Done. Excellent. Oh. अब ये pressure है. हाँ. That's the pressure. Yeah. यही वो pressure है जिसकी हम बात. बिल्कुल, बिल्कुल. Next boy, next. हाँ ओके. ओवर एक्साइटेड. ये मैच प्रेशर और कैमरे का प्रेशर ना एक बराबर ही होता है. व्हेन यू आर कमिंग लाइव. वेल डन, वेल डन. एक्सीलेंट बॉय, एक्सीलेंट. जबरदस्त, जबरदस्त. ओहो, चैलेंज हो गया है जी मुश्ताक साहब. फील्डिंग के लिए उन्होंने चैलेंज. ओके जी, मुशी भाई चैलेंज कर रहे हैं और मुशी भाई जो है वो चैलेंज करेंगे फील्डिंग का. और देखते हैं जनाब के मुशी भाई वो प्रेशर जो है वो हैंडल कर सकते हैं कि नहीं कर अच्छा सकते. मेरा मुशी भाई अभी हाँ. इतने माशाल्लाह फिट है कि वो अगर आज फील्डिंग का चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया है और हाँ. आज वो अपने चैलेंज में कामयाब हो जाते हैं हाँ. तो फिर सोचा जा सकता है T20 वर्ल्ड कप में उनको भेजने के लिए. ये तो मुशी भाई से पूछना पड़ेगा. T20 वर्ल्ड कप जी मुशी भाई आए हैं और हजरात ये ओए 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 मुशी भाई. We have to beat Mushi bhai now. Come on everyone. Very good, very good. आप दूरी से खड़े होते हैं दो बंदों को. स्लाइडर का स्लाइडर का मुकाबला. हाँ. स्लाइडिंग मार के दिखाएंगे. ठीक है, ठीक है, ठीक. आप भी मार के दिखाएंगे स्लाइड. और ये मुशी भाई देख ले. पांच बजे वाले शो में होंगे ना यहाँ हमारे साथ. बच्चों को बता दें जी. हाँ. अच्छा मुशी भाई मुझे ये बताएं कि आपने अभी जो भी चैलेंज एक्सेप्ट किया हाँ. और हाँ. उसके बाद जो आपने अभी थ्रो किया डायरेक्ट हिट हुई है पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में जा रहा है तो आप पाकिस्तान टीम में जाएंगे क्योंकि फील्डिंग का फुकदान है वहाँ पर. उसके बाद उठाएगा कौन मुझे दो ओवरों के बाद. असल मसला है दो ओवर नहीं है, 20 ओवर है. खैर ये फील्डिंग जो ना एटीट्यूड है आपकी टेक्निक. जो कोचेस बार बार बात कर रहे हैं ना ये टेक्निक के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल तब आज अच्छा आता है जब आपकी बेसिक्स तगड़ी होती है. मुझे बेसिक्स याद है हमने फील्डिंग इतनी की है इसलिए मैं एक हाथ से पिक करके मैंने विकेटों पर मार दिया या उस टारगेट पर मार दिया. अब जिस तरह स्लाइड है हमारे दौर में स्लाइड नहीं थी पर सीखनी पड़ी. उस स्लाइड के लिए बच्चों को मैं चैलेंज करता हूँ आप देखिएगा पिक करूंगा उठाऊंगा भाई क्या बात कैसे करूंगा हाँ. क्या बात और मुशी भाई आपके जमाने में जाहिर सी बात है ग्रासी ग्राउंड्स भी नहीं होते थे. कोनिया छिलने का मसला होता था कि हाँ जी रफ ग्राउंड्स हैं तो उसमें जरा स्लाइडें लगाना. स्पेशली मुझे कराची के हिसाब से पता है कि कराची में तो कोई ग्रासी ग्राउंड दिखता ही नहीं था जहाँ प्रैक्टिस करते. इसके सबसे इम्पोर्टेंट चीज हाँ. हमने सीखा है हाँ. बाद में काउंटी क्रिकेट खेलते ग्राउंड वहाँ बहुत अच्छे थे. बहुत अच्छे हाँ, वसीम भाई ने सीखा हाँ, फास्ट बॉलर के बकार ने सीख लिया. हमें सीखना पड़ा क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए. बिल्कुल. और ये फील्डिंग जो है ना जैसे आप कह रहे हैं यहाँ पे बच्चों को कई दफा आपको करके दिखाना पड़ता है. जब आप करके दिखाते हैं ना तो फिर बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. सम टाइम कहते हैं योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स. चले जी स्लाइड. ओके मुशी भाई ने इसके बाद गारंटी की है कि वो 5 बजे वाले शो में हमारे साथ मौजूद होंगे. ऐसा ना हो कोई कमर वमर खिंच जाए कुछ हो जाए तो हम ये जरा यहाँ अच्छा ये बच्चे ने टाइम दिया टाइम भी नहीं लूंगा चलो देखो तो क्या बात है जनाब जबरदस्त. ओए 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 जबरदस्त ओए हाँ देखें आपने देख लिया हाफिज साहब पीजे मीर साहब हम बातें नहीं करते हमारे एक्शन भी ऐसे हैं याद रखना जरा आप. ये बोलना जरूरी नहीं है बोलने के साथ एक्शन भी करने पड़ते हैं. वो कह रहे हैं वी शैल सी पीजे मीर साहब और हाफिज साहब योर एक्शन शुड स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स. एब्सोल्युटली वी आर सीइंग वी आर सीइंग. ये देखिए ये जो है ना
ये सबसे इम्पोर्टेंट हम देखते हैं कि कभी कभार हेजिटेट करते हैं कादिर, हमारे जो फील्डर्स हैं वो फील्डिंग करते हुए डाइव मारते हुए हेजिटेशन होती है, मगर एटलीस्ट यहाँ ये बच्चे उस फ्लो में देखे और वो हेजिटेशन नहीं। सवेरा ये वही उम्र है, मैंने आपको बताया कि हम लोग जिस तरह बात कर रहे हैं, मुशी भाई ने बात की, इनके फील्डिंग कोच भी है, तैमूर साहब भी है, ये वो उम्र है जिसमें आप बेसिक्स इनको बता देंगे, ये उसी लिहाज को उसी चीज को कैरी करके पूरी जो सारी उम्र है उसको जो है वो लेकर चलेंगे। तो अभी ये जो स्लाइड्स लग रही हैं, इनकी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, ये आके इनको आगे जो इनका मरहला है अंडर 19 का, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको माइक ऊपर करना पड़ेगा इसका लेवल, उसमें अंडर 19 जो है वो अंडर 19 में इन्होंने परफॉर्मेंस देनी है, तो उसमें मेरे ख्याल में ये जाकर इनके लिए ये पूरी बुनियाद बन चुकी होगी और वहां पर ये पके पकाए फल की तरह होंगे जिनको सिर्फ तोड़ना बाकी होगा। ऐसे ही हमें पके पकाए फल चाहिए। तैमूर साहब, मूविंग ऑन फर्दर, अब हम बैटिंग की नेट्स की तरफ जी, हम अभी इधर बैटिंग नेट्स की तरफ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और खुशखबरी भी सुनाना चाह रहा हूँ। क्या खुशखबरी? खुशखबरी ये कि इस कैंप के साथ एक और कैंप हमारा मुल्तान में लगा हुआ है जो अंडर 13 बच्चों का। अरे माशाल्लाह, और यही चीजें उनमें हो रही है और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे शायद अनवर साहब है, नेशनल क्रिकेट अकेडमी के हेड कोच है, और नदीम खान साहब, तो ये सारे उनके ब्रेन चाइल्ड है और ये इंशाल्लाह ये पूरे पाकिस्तान में अब कैंप्स होंगे अगले एक महीने में, रमजान के बाद भी, रमजान में भी होंगे। और ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर शाहिद अनवर, क्योंकि मैं चाह रहा था ये टाइम है तो उन जो अनसंग हीरोज हैं जैसे वो हैं उनको भी क्रेडिट जाना चाहिए, बिल्कुल जाना कि इतनी बड़ी एफर्ट उन्होंने की है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए और ये जरूरी है, ये एफर्ट आप यंगर एज पे करेंगे तो हमें ऊपर लेवल पे आसानी होगी। ग्रास रूट हम सुनते रहे, ग्रास रूट पे काम नहीं कर रहा, लेकिन आपके सामने फादुल्लाह जो हमारे बैटिंग कोच है और ये मोहम्मद यूसुफ के साथ काम करते हैं, इनके साथ होते हैं, फादाब आ जाइए प्लीज, अब आपकी बारी आई है कि आप क्या क्या करवा रहे हैं इन लड़कों को। ये लीजिए फहद, आपकी अब बारी, और ये ऊपर रखिएगा माइक थोड़ा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सबसे पहले बैट्समैन्स के साथ बेसिक टेक्निक पे के ऊपर काम किया, ठीक है। हाँ, हमने इनको बहुत ज्यादा ड्रिल्स, क्योंकि इनकी बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए इनको ड्रिल्स पे रखा है और उसके बाद इनके सेशन किए हैं और उसी चीज को हमने ना नेट्स के अंदर जाके अप्लाई किया। ठीक, मुझे ना मारना बॉल। सबसे पहले हमने इनकी बेस स्ट्रॉन्ग की है, फिर उसके बाद इनको ड्रिल करवाई है, फिर इनको स्किल्स वर्क करवाया, उसके बाद हम इनको नेट्स में ले गए हैं, ठीक है, ताकि इनकी सारी चीजें वहाँ पे हम एनालाइज कर सकें, ठीक है। तो हमने इनको बहुत क्लोजली वॉच किया है, इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट है और बेसिक्स चीजें जो हैं अगर ये साथ लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह फ्यूचर में इनको फायदा होगा इस चीज का। मुझे ये बताएं कि आप ऐसे हम यूँ चलते रहेंगे साथ साथ, ये जनरली जाहिर सी बात है अंडर 15 से ये लड़के होते हुए आ रहे होते हैं, इनकी बेसिक्स शुरू हो गई होती हैं, इनको अलग कोचेस मिले हुए होते हैं, वो अलग तरीके से उन्होंने बैटिंग का सिलसिला शुरू कर चुके होते हैं, यहाँ पे आके अगर कोई टेक्निक का इशू दिखता है, कहीं कुछ दिखता है कि कुछ फॉल्टर कर रही है टेक्निक, उसको कैसे मॉडिफाई करते हैं, उस पर कैसे काम करते हैं, और फिर यहाँ नेट्स में क्या एक ये होता है कि नहीं जी एक हफ्ते तक लड़के को हम फ्रंट फुट खिलाते रहेंगे, एक हफ्ते तक हम लड़के को ऊंची बॉल खिलाना है, मतलब कि क्या, व्हाट इज द प्लान ऑल टुगेदर? प्लान तो ये तो बैट्समैन्स के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि कोई अगर हम उसको कोई चीज़ बता रहे हैं तो उसको उस चीज़ को किस तरह से कैरी कर रहे हैं, और कोचिंग पॉइंट जो है डिफरेंट तो नहीं है, बेसिक तो ऐसे ही है, बेसिक इधर हो जाए ना, थोड़े से लोग आपकी शक्ल भी देखना चाहते हैं बेस के अंदर, तो सारी चीज़ें वही है ना जो बैटिंग में आती है, कि आपका हेड स्टिल हो, आपका बैलेंस अच्छा हो, आप बॉल को किस तरह रीड कर रहे हैं, बेसिक्स के अंदर तो यही चीज़ें आती हैं, तो ये इंशाल्लाह ताला इंप्रूव कर रहे हैं और इस चीज़ का फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फायदा। हम ब्रेक पर जाने वाले हैं इसलिए हम यहाँ ऐड और कुछ भी नहीं कर सकते, हमें हाफिज की तरफ वापस जाना है, मगर आई होप हाफिज और पीजे मीर साहब आप लोग इंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज हमें तो यहाँ बहुत मजा आ रहा है, बिकॉज हमें ये जो यंग बर्ड्स हैं जो खिलते हुए दिख रहे हैं, और जब ये हमें पूरे खिले हुए फूल दिखेंगे तो उस वक्त हम कह सकेंगे कि हम इनकी इस पूरी जर्नी में कहीं ना कहीं शामिल थे।